जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवक को अर्धनग्न कर तालिबानी सजा दी गई। हाथ पैर बांध कर प्लास्टिक के पाइप से पीटा गया है। घुटनों के बल बिठाकर पैर पड़वाए, जूतों की माला भी पहनाई, जुलूस निकाला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जबलपुर से खबर, जहां युवक को अर्धनग्न कर तालिबानी सजा दी गई। हाथ पैर बांध कर प्लास्टिक के पाइप से पीटा है, घुटनों के बल बिठाकर पैर भी पड़वाए, जूतों की माला पहनाई गई और जुलूस निकाला गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, देखिए उसको पीटा जा रहा है, किस तरह का बर्ताव उस युवक के साथ किया जा रहा है, ये वीडियो में भी दिखाया गया है। सोमनाथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है खबर पर जानकारी के लिए। सोमनाथ, ये वीडियो हम देख रहे हैं जिसमें किस तरीके से उस युवक की पिटाई हो रही है और बहुत ही गलत तरीके का बर्ताव व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है, कौन है ये युवक, इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, और ये लोग कौन है जो मारपीट कर रहे थे, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्या कार्रवाई अब तक? जी बता दें, ये तिलवारा थाने के पास की घटना है और एक युवक को क्या है अर्धनग्न कर बदमाशों द्वारा, जो आसपास के वहीं क्षेत्रीय लोग हैं उनके द्वारा इससे मारपीट की गई है और बहुत गंदे तरीके से इसको इससे मारपीट की गई है और जूतों की माला भी पहनाई गई है। और खास बात यह है कि सोशल मीडिया में इस तरह का वीडियो पूरा बनाकर इसको वायरल भी किया गया है। अब पुलिस में इसकी शिकायत भी की गई है और 25 मई का ये जो वीडियो सामने आया है, तो ये जो बताए जा रहे हैं जिनने मारपीट की है वो वहीं के पास के रहने वाले हैं और आपराधिक लोग हैं और जिनने इनकी मारपीट की है, और पुलिस में इसकी शिकायत भी हुई है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो जिनने मारपीट की है उनका नाम है राकेश चक्रवर्ती, अजय चक्रवर्ती और संजू लोधी का नाम सामने आ रहा है, जिनने जिस तरीके से मारपीट की है। और इलाके में लोग शराब का भी कारोबार करते हैं जो जिनने मारपीट की गई है। पूरी मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और पुलिस जल्दी इनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। जी बहुत शुक्रिया सोमनाथ जानकारी के लिए। तब पुलिस अब इस पूरे वीडियो के आधार पर आगे की जांच कर रही है। बता दें आपको किस तरीके से, आप देख भी सकते हैं कि युवक को किस तरीके से अर्धनग्न कर पीटा गया है और बेरहमी से उसकी पिटाई की गई और किस तरीके का गलत बर्ताव उसके साथ किया गया है, जिसके बाद अब कार्रवाई की बात सामने आ रही है।